सो वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये चैप्टर आप लोगों को आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12 में देखने के लिए मिलेगा। बच्चों, इस चैप्टर में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कुछ एक फॉर्मूलास इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। उन सारे फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर चार फॉर्मूला हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। ये एक पार्ट है बच्चों। सर्कमफेरेंस जो होता है बच्चों, वो सर्कल का पेरीमीटर भी बोलते हैं हम लोग। सर्कल का पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस का नाम दिया गया है। सर्कमफेरेंस एंड एरिया निकालने का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ एक आध क्वेश्चन सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि सीधे सीधे सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड है। दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों, वो है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। और चौथा और आखिरी फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे बच्चों, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसी में ही बच्चों सबसे ज्यादा तकलीफ होता है स्टूडेंट्स को, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो हम लोगों का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग दो वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता ही होना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, क्योंकि इससे पहले कई क्लासेस में हम लोग सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला देख चुके हैं। सर्कमफेरेंस जो होता है बच्चों, वो 2 पाई आर के बराबर होता है। याद रखना आर जो है वो क्या है, रेडियस है। सो हम लोगों को अगर रेडियस पता हो बच्चों तो हम लोग सर्कमफेरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। वहीं पर एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी देखिए आर जो है वो क्या है, रेडियस है। और अगर आप लोगों को रेडियस पता है तो आप लोग आराम से किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोगों को पता क्या होना चाहिए सर्कमफेरेंस और एरिया निकालने के लिए, हमको पता होना चाहिए रेडियस। और अगर आप लोगों को रेडियस दे दिया है तो आप लोग इजिली क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और बोला है सर्कमफेरेंस निकालिए और एरिया निकालिए। तो सर्कमफेरेंस देखिए कैसे निकालेंगे। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr फॉर्मूला लिखेंगे, 2 के जगह 2 लिखेंगे और पाई के जगह पर या तो आपको 22/7 पुट करना है या तो 3.14 पुट करना है। 3.14 जब भी पुट करेंगे बच्चों जब आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया हो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो उस केस में आप लोग 22/7 ही पुट करेंगे। याद रखेंगे वहां पर आपको 3.14 पुट नहीं करना है। अब पाई का वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर दिया, रेडियस जो है 7 के बराबर है। देखिए यहां पर मैंने कैंसिल कर दिया, 22 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 44 के बराबर हो जाएगा। रेडियस जो दिया था बच्चों सेंटीमीटर में दिया था, तो सर्कमफेरेंस का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन एरिया का जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर रेडियस मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट होगा रेडियस का उसका स्क्वायर बन जाएगा एरिया का यूनिट, और जो यूनिट दिया हुआ है रेडियस में वही सेम टू सेम यूनिट बन जाएगा सर्कमफेरेंस का। तो चलिए एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया हो जाएगा हमारा 22/7, पाई के जगह पर पुट कर दिए और रेडियस के जगह पर 7, तो ये 7 का स्क्वायर बोला गया है। तो 7 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 7 × 7, दो बार 7 लिख देंगे, एक 7 को काट दिए, यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया बच्चों।
सो सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस अगर आप लोगों को दिया है, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोला है या एरिया निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया है इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस अगर आप लोगों को दे दिया है 44 सेंटीमीटर और आप लोगों को बोला है कि एरिया फाइंड करो, सॉरी रेडियस फाइंड करो, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस का वैल्यू दे दिया है 44, तो यहां पर आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब आप लोगों को रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये बाकी का जो ये जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो 44 इंटू ये जो नीचे है वो 7 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 22 हो जाएगा, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और ये 44 को मैं सीधा कैंसिल कर रहा हूं, तो रेडियस देखिए किसके बराबर निकल के आ गया, 7 के बराबर निकल कर आ गया। अगर आप लोगों को सर्कमफेरेंस दिया है और रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है तब। कभी कभी बच्चों हम लोगों को सर्कमफेरेंस दे दिया होता है और सीधा सीधा एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो उस केस में अपने को क्या करना है, तो उस केस में सबसे पहले आप लोगों को सर्कमफेरेंस से रेडियस निकालना पड़ेगा जैसे मैंने यहां पर निकाला है, और उसके बाद फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अगर बच्चों मान लो हम लोग को एरिया ही दे दिया है और हमको बोला है निकालने के लिए रेडियस, अगर हम लोग को एरिया गिवन है मान लीजिए क्वेश्चन में और हमको बोला गया है क्या निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए अगर मान लेते हैं हमको दे दिया है एरिया, इफ एरिया ऑफ सर्कल, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया है, बोला है फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, तब क्या करेंगे, फिर से एरिया अगर दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां पर सर्कमफेरेंस दिया हुआ था तो मैंने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया, एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो एरिया कितना दे दिया है 154 बराबर 22/7 और रेडियस फाइंड करना है तो ये आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये 22/7 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, 22/7 को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 22 और ये हो गया हमारा आर का स्क्वायर। इसको देखिए 11 से मैं काट सकता हूं, 11 2 जा, ये भी 11 से कट रहा है, 11 1 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा। अब देखिए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखा है, 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये दो का पेयर बाहर आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपको बाद में स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को एरिया दिया है और रेडियस निकालने के लिए बोला है तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एरिया दे करके आपको बोला जाएगा कि सर्कमफेरेंस फाइंड करो, जैसे यहां पर बोला गया था रेडियस फाइंड करो, रेडियस की जगह पर बोल देगा फाइंड सर्कमफेरेंस भी अगर मान लो हमको बोल दिया है, तो हमारे पास अगर रेडियस पता चल चुका है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, सर्कमफेरेंस का वैल्यू निकालना है अगर तो 2 इंटू 22/7 पुट करेंगे और रेडियस की जगह पर 7 पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सो एरिया दिया है या सर्कमफेरेंस दिया है तो रेडियस इजिली फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो सर्कमफेरेंस दिया होगा या तो एरिया दिया होगा अगर रेडियस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो, या फिर अगर एरिया दे दिया हो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो भी हम लोग पहले फाइंड क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और उसके बाद सर्कमफेरेंस अगर दिया है तो एरिया निकल जाएगा और एरिया दिया है तो सर्कमफेरेंस निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बच्चों इसमें एक और मैं बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेडियस, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस, हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ
इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियस आर, हुज रेडियस आर 9 and 19 centimeter. बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर, देखिए सम ऑफ, इसको ऑफ कर देते हैं, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है मान लेते हैं वो सी है, वो बराबर है दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के, यानी कि सी वन प्लस सी टू के, और ये जो दो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उनका रेडियस हम लोग को दिया है, सर्कमफेरेंस नहीं दिया रेडियस दिया है, यानी मान लेते हैं चलिए आर वन जो है वो नाइन है जो कि इस सर्कल का रेडियस है, सी वन का रेडियस है, और सी टू सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूं नाइन के बराबर है। अब देखिए बच्चों सर्कल कैसा भी हो उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो 2 पाई आर ही होने वाला है, तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होगा, इसका जो रेडियस है बच्चों उसको मैंने आर लिया है, इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी 2 पाई आर 1 होने वाला है क्योंकि इसका जो रेडियस है उसको मैंने आर 1 लिया है, प्लस इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो भी 2 पाई आर ही होगा, लेकिन इस आर के जगह पर मैं आर टू पुट करने वाला हूं क्योंकि इसका रेडियस मैंने आर टू लिया है। अब देखिए 2 पाई आर को मैंने 2 पाई आर एज इट इज लिखा, इन दोनों में, इन दोनों में मेरे को 2 पाई कॉमन दिख रहा है तो मैं 2 पाई बाहर निकाल दूंगा। अब इसमें क्या बच गया, तो आर वन बच गया, और इसमें क्या बच गया बच्चों आर टू बच गया। यहां पर से देखिए 2 पाई और ये 2 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आर किसके बराबर आ गया, आर वन प्लस आर टू के बराबर आ गया। अब R1 किसके बराबर है, तो R1 दे दिया है 9, तो मैंने 9 पुट कर दिया, R2 क्या दे दिया है 19, तो मैंने 19 पुट कर दिया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 के बराबर होगा। यहां पर भी सेंटीमीटर दिया, यहां पर भी सेंटीमीटर दिया है, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो मैंने वो सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया है जिसका सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। अगर आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, जो कि मैंने यहां पर कंडीशन लिया हुआ था। इसी में ही मान लीजिए हमको सर्कमफेरेंस के जगह पर एरिया दे दिया होता, बोला होता मान लो फाइंड द एक मिनट रुकेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियस आर, हुज रेडियस आर 6 centimeter and 8 centimeter। यहां पर देखिए केस में क्या बोला, इस केस में बोला गया है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका एरिया, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका एरिया a के बराबर है, और इसका जो एरिया है बच्चों वो दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, यानी a1 plus a2 के बराबर है। ये जो सर्कल है जिसका एरिया ए वन है उसका रेडियस को भी आर वन ले लेते हैं, और ये जो सर्कल जिसका एरिया ए टू है इसका रेडियस को मैं आर टू ले लेता हूं। अब ये आर वन किसके बराबर आ गया, 6 centimeter के बराबर दिया है, और ये 8 centimeter के बराबर दिया है। अब देखिए सर्कल कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसका एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होने वाला है, तो इसके जगह पर मैं पाई आर स्क्वायर लिखा। एक बात और बता दूं बच्चों कि ये जो जो रेडियस हम लोगों को निकालना है उस रेडियस को मैं आर माना हूं, और जो रेडियस दिया हुआ है उसको मैं आर वन और आर टू माना हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन इस आर की जगह मैंने आर वन लिया है क्योंकि इसका जो रेडियस है वो मैंने आर वन लिया है, और इसका जो रेडियस है उसको आर टू लिया है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। अब देखिए अब मेरे को इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो पाई कॉमन दिख रहा है, तो मैंने पाई कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया
आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, यहां से पाई और पाई दोनों कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का वैल्यू दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36। आर टू का वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अगर 36 में मैं 64 को ऐड कर दूं तो ये 100 के बराबर हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। सो आर का जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, और 100 का अगर स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालने आता है बच्चों तो वो 10 के बराबर होगा। यहां पर भी सेंटीमीटर दिया था, यहां पर भी सेंटीमीटर दिया था, तो ये भी किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये दो स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है बच्चों। सर्कमफेरेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, व्हील वाला क्वेश्चन, चक्का वाला क्वेश्चन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, सो वीडियो को जरूर देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हम लोग सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड कुछ एकाध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।